हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं हरबीर सिंह और आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में दिल से स्वागत है। साथियों, मॉर्निंग न्यूज में मैं आज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट खबरें लेके आया हूं और अगर आप टीचिंग पोस्ट की वेट कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको सीटेट के बारे में बताऊँगा, इसके बाद एचटेट के बारे में, इसके बाद साथियों डीएसएसबी रिजल्ट अपडेट और इसके बाद जल्द ही 9000 नई पोस्ट भी आने वाली हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीजें जेन्युइन मिलेंगी। तो सबसे पहली खबर है सीटेट की तरफ से। तो सीटेट का एक नोटिस आया है, द नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ सीटेट विल बी कंडक्टेड ऑन 7/7/2019, द नोटिफिकेशन विल बी इश्यूड सून। तो साथियों, इसकी जो हिंदी है आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि जो सीटेट का नेक्स्ट एग्जाम है वो 7 जुलाई 2019 को होगा। सीटेट का जो नेक्स्ट एग्जाम है 7 जुलाई 2019 को होगा और ये खबर उन सभी साथियों के लिए एक अच्छी खबर है जिनका सीटेट का एग्जाम किसी कारणवश अच्छा नहीं हुआ। तो आप अभी से अपनी सीटेट के प्रिपरेशन में लग जाइए जिससे आपको आने वाले सीटेट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो साथ ही ये बहुत अच्छी खबर है और बहुत अच्छा लगा कि सीटेट ने अब की बात बहुत जेन्युइन काम किया है। सीबीएसई इसे हैंडल करता है, कंडक्ट कराता है, तो सीबीएसई ने रियली बहुत अच्छा काम किया है और क्रेडिट देना पड़ेगा उनको। तो साथियों, इसके बाद दूसरी खबर आती है एचटेट की तरफ से। आपको पता होगा कि एचटेट का एग्जाम 5/1/2019 और 6/1/2019 को हुआ था। इसके सेकेंड डे ही मतलब 7 जनवरी 2019 को एचटेट की ऑफिशियल आंसर की भी आ गई और इसे देख के बहुत अच्छा लगा कि इतनी जल्दी, इतनी फास्ट इन्होंने काम किया है। तो साथियों, अगर आपको लगता है कि जो आंसर की आई है उसमें कुछ आंसर गलत हैं, तो अगर आप आंसर चैलेंज करना चाहते हैं तो 14/1/2019 तक ही आप चैलेंज कर सकते हैं। और आप ध्यान रखें, निशुल्क है ये, इसका कोई चार्ज नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। अब की बार ये निशुल्क आप दर्ज करा सकते हैं अपना जो भी चैलेंज है, आपत्ति है, इसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे कि 14/1/2019 5:30 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन बोर्ड की वेबसाइट पर निशुल्क दर्ज करवा सकते हैं। तो साथियों, इसके बाद एचटेट एग्जाम के बारे में मेरी काफी फ्रेंड से बात हुई तो सभी बता रहे हैं कि जो एग्जाम लेवल है वो पहले की तुलना बहुत टफ है। आप भी अपनी राय जरूर दें कि आपको एचटेट का एग्जाम कैसा लगा, लेकिन जो बात हुई उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि एचटेट का एग्जाम पहले की तुलना बहुत टफ था और खासतौर पे पीआरटी एग्जाम। तो आप अपने व्यू जरूर दें इसके बारे में। और बताया जा रहा है कि जो मैथ के क्वेश्चन थे, जैसा कि आपको पता है कि अब मैथ ट्रेडिशनल बंद होता जा रहा है, अब ऐसा नहीं है कि टाइम और वर्क के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं या एवरेज के आ रहे हैं, अब अलजेब्रा पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, मतलब एडवांस मैथ। तो जो साथी इन सब्जेक्ट में वीक है, मैथ साइंस अच्छे से कर लें, क्योंकि आने वाली जो भी वैकेंसीज है, इवन ग्रुप डी के एग्जाम में भी हमने देखा है, केवीएस का भी एग्जाम हुआ था उसमें भी देखा है, तो एडवांस चीजें पूछी जा रही हैं, तो आप इन पे अच्छे से फोकस करें। इसके बाद साथियों, बात करते हैं हरियाणा में जल्द ही 9000 टीचिंग पोस्ट आने वाली है। इसके रिगार्डिंग कल मैंने वीडियो भी बनाई थी और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। राजेश पाल जी से मेरी बात हुई थी और जैसा कि आपको पता है कि जब तक हमें कोई जेन्युइन सोर्स नहीं मिलता तो हम उस चीज को अपडेट नहीं करते। तो राजेश पाल जी ने बताया हमें कि खट्टर जी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही वैकेंसी आने वाली है, लेकिन अगर वैकेंसी नहीं आती है तो आप उनका सहयोग करें। मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो देख लीजिए, पूरी डिटेल है, आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। राजेश पाल जी को सहयोग करें। और बता देता हूं, राजेश पाल जी की मीटिंग खट्टर साहब से हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। तो 9000 टीचिंग पोस्ट बहुत हो जाती है, तो आप अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से रखें और वैसे भी प्रिपेयर रहें,
हो सकता है कि कभी भी आपकी जरूरत पड़ सकती है, आप उनका सहयोग करें। इसके बाद साथियों बात करते हैं डीएसएसबी। तो डीएसएसबी की साइट पर अभी एजुकेशनल मतलब टीचिंग एग्जाम के रिजल्ट नहीं आए, लेकिन एक दो और रिजल्ट्स आए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। आप ज्यादा जानकारी के लिए डीएसएसबी की मेन वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसके बाद साथियों पीजीटी के रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 15 जनवरी तक एक दो रिजल्ट या हो सकता है कि पूरे रिजल्ट आ जाएं। तो जो साथी डरे हुए बैठे हैं उनके लिए अच्छी खबर है, बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाले हैं। और स्पेशल एजुकेटर्स, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है, बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है। तो साथियों ये थी मॉर्निंग न्यूज़। अगर अच्छी लगे न्यूज़ या आप डेली इस तरह की न्यूज़ पाना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके बाद जो साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर सकते हैं। तो साथियों गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, वंदे मातरम।